नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण के क्षेत्रांगत रामगढ़, मुक्तेश्वर और शीतलाखेत में निर्मित और निर्माणाधीन लगभग 30 कार्यों का निरीक्षण किया, जहां 10 संरचनाओं पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए मंडलायुक्त ने ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान नगर पालिका की टीम ने सड़क किनारे लगे फ्लेक्स को उखाड़ने कर कब्जे में ले लिया। नगर पालिका के द्वारा चलाए गए अभियान से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि बाजपुर नगर पालिका टीम द्वारा क्षेत्र में सूचना देकर लोगों से अतिक्रमण को हटाने की अपील की गई थी, लेकिन नगर पालिका की अपील के बाद भी व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके चलते नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार दास के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अतिक्रमण हमारा अभियान पिछले हफ्ते से चल रहा है। आज चूँकि आज हमें फोर्स मिल नहीं पाई, फोर्स कहीं व्यस्त थी, नहीं तो SDM साहब और पुलिस को भी आना था, संयुक्त रूप से अभियान चलाने की बात हुई थी, लेकिन आज हमने फिर जब फोर्स नहीं थी तो ये लगा कि आज चेतावनी दे देते हैं लोगों को, जिन्होंने सड़क पर सामान रखा हुआ है और चलने के लिए बिल्कुल भी सड़क नहीं बची हुई, रोड तक लोगों ने सामान रखा रहा, कम से कम लोगों के आने जाने का और साथ में रहने का रास्ता तो छोड़ना चाहिए। इसलिए आज हमने ये कहा कि भैया सामान जो है आप अपने जहाँ तक आपकी दुकान है वहाँ तक आप सामान रखो, उससे बाहर जो है लोगों को आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दो। बिजनौर सिहोरा में नाले के ऊपर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को लेकर SDM धामपुर ने सिहोरा में पहुंचकर दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसको लेकर भू माफियाओं में हड़कंप मच गया। लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई से माफियाओं में दहशत का माहौल है। नगर पालिका की भूमि नाला जो बना हुआ है उसके ऊपर ही निर्माण हो रहा है। अच्छा। और इनको 2020 से नोटिस दिया जा रहा है, इनके द्वारा हटाया नहीं किया गया और इनको अभी हमने एक महीने से और नगर पालिका के स्तर से काफ़ी नोटिस दिए गए, जब इनके द्वारा कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए हैं। और जैसे आप मौके भी देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से नाला है, उसके ऊपर जमीन है, तो इनके द्वारा हटाया नहीं गया, तो इसमें हम लोग नगर पालिका की तरफ से उसको हमने हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में कोई नोटिस दिया था? हाँ, ये नगर पालिका की तरफ से कम इधर ही 1.5-2 महीने से नोटिस दिया जा रहा है, 2020 से नोटिस दिया जा रहा है और काफ़ी शिकायती प्रार्थना पत्र मिले थे इनके बारे में, तो नोटिस भी दे दिया गया है। तो ये ऋषिकेश का ही पूरा मामला है, जो आप पर बता दें आपको कि सड़क हादसे में रुड़की की SDM संगीता कन्नौजिया गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। एम्स में डॉक्टर्स ने जांच की है और फिलहाल बताया है कि SDM की हालत खतरे से बाहर है। ऐसे में तमाम जो परिजन थे वो भी मौके पर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर लगभग 11:30-12 बजे करीब तो उन्होंने बताया कि किशोर तुम्हारी सिस्टर SDM जो है लक्सर में, मैंने कहा हाँ अभी भी हाल फिलहाल पोस्टिंग हुई है, अभी शिफ्ट नहीं हुई है, तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने मुझे फिर पिक्स भेजी उसकी, दिखाया मुझे कि एक बार पहचान लो कि मतलब SDM लक्सर की है तुम्हारी सिस्टर है, मैंने कहा ठीक है दिखाओ, तो फोटो भेजी। फिर मैंने घर पर फ़ोन किया क्योंकि घर पर भी किसी को पता नहीं था, मैंने लगातार फिर DD को कॉन्टैक्ट किया, उनका फ़ोन पिक नहीं हुआ लेकिन बिजी जा रहा था, तो वो पता नहीं किसने पिक किया। बाकी मुझे कहा कि जल्दी से विनय विशाल हॉस्पिटल जो दुड़की में है उसमें पहुंचो और अपने परिवार वालों को बता दो, तब मैंने अपने जिया जी को बताया, वो वहीं से निकल गए, फिर मैं अपनी मम्मी को साथ में लेके गया विनय, फिर विनय से यहाँ अपने मैं आया। क्या कंडीशन बता रहे हैं? गर्दन में इंजरी है उनके थोड़े से ज़्यादा, तो रिकवरी में टाइम लग भी सकता है। सहारनपुर में कुछ ऐसे गांव हैं जो सफलता की इबारत लिख रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी विकास की प्रेरणा दे रहे हैं। बता दें कि थरौली, छिदबना, जयंतीपुर और चकवाली गांव हाईटेक तो हुए ही, साथ ही इन गांव में विकास कार्य भी बेहतर हुए हैं। छिदबना गांव अब हाईटेक हो चुका है, यहां का पंचायत भवन कॉर्पोरेट ऑफिस दिखता है। दरअसल चमचमाती टाइल्स, कंप्यूटर और CCTV सुविधा से लैस पंचायत भवन हर किसी को आकर्षित कर रहा है। शासन के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक गांव पंचायत में पंचायत सहायक और सचिवालय की स्थापना करने का उद्देश्य है। इसके क्रम में जनपद की 884 गांव पंचायतों में के सापेक्ष हम लोगों को 331 गांव पंचायतों में पंचायत सचिवालय का निर्माण करना था। अभी तक हम लोग
240 पंचायत भवनों का पंचायत सचिवालयों का निर्माण कर चुके हैं, उसके बना चुके हैं और बाकी शेष में हमारे पास पूर्व में निर्मित थे। शासन की मन ने इसी कि गांव में जो पंचायत घर हैं वो सचिवालय के रूप में विकसित हों, इसके लिए पंचायत सहायकों की नियुक्ति की है। पंचायत सहायक वो नियमित रूप से बैठें, सचिवों के साथ बैठें और गाँव वासियों की जो समस्याओं का निराकरण है वो वहीं एक स्पॉट पर हो, इसी उद्देश्य से जो है गाँव पंचायतों में पंचायत सचिवालयों की स्थापना की जा रही है। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जहां 4 से 5 महिलाओं को भगदड़ के दौरान हल्की फुल्की चोटें आई हैं। दरअसल आग लगने का कारण खराब हुए जनरेटर को ठीक करने के दौरान चिंगारी बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर अग्निशमन की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं मौके पर क्षेत्राधिकारी सहित थाना गलहेड़ी की पुलिस भी पहुंची। जनपद सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी के अंतर्गत ग्राम ठोकरपुर में पटाखा फैक्ट्री है, जिसमें आज जनरेटर में काम करते वक्त, उसकी मरम्मत करते वक्त उसमें से निकली चिंगारी की वजह से पटाखे के फैक्ट्री में आग लग गई और 4-5 महिलाएं जिसकी वजह से वो यहाँ से थोड़ा कूद के हट रही हैं, जिनके गुम चोटें हैं, ज़्यादा नॉर्मल चोटें ही हैं, वो सब हॉस्पिटल के लिए भेजे जा चुके हैं और सब लोग सुरक्षित हैं, कोई ऐसी बात नहीं है और आग जो है बुझाई जा चुकी है। कितना समय लगा इसको आग को बुझाने में? लगभग 1 घंटे लगे होंगे। सर मालूम हो कितना नुकसान है इसमें? इसका तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। सहारनपुर में अवैध खनन को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में स्टोन क्रशर संचालकों में भारी रोष व्याप्त है। स्टोन क्रशर के संचालकों ने सहारनपुर स्टोन क्रशर एसोसिएशन के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। आज जो है वैसे महोदय से मुलाकात करने के लिए क्रेशर यूनियन का पूरे लोग मौजूद रहे हैं। कल कुछ गाड़ियां हमारे क्रेशर जो क्रेशरों से भरी थी, लगभग 11 गाड़ियां प्रशासन द्वारा बंद की गई हैं अवैध खनन का आरोप लगा के, जिसमें से 7 गाड़ियां ऐसी थी जो कि उनमें ओवरलोडिंग नहीं थी, उनकी गलत तरीके से पैमाइश कर दी गई और उनका चलान कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे जो है राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्रेशरों का नुकसान हो रहा है। इससे होता क्या है कि यहाँ एक गलत छवि बन रही है प्रशासन की भी और हमारे क्रेशर वालों की भी, और गाड़ियाँ उत्तराखंड और हरियाणा चली जाती हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे राजस्व का नुकसान होगा और प्रदेश की जो है छवि खराब हो रही है। सितारगंज के अमरिया क्षेत्र में आग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। गांव बख्शपुर के खेतों में शुरू हुई आग अब कुछ ही देर में क्षेत्र तक फैल गई। आग का रुख मॉडर्न स्टोर क्रशर के परिसर में खड़े ट्रकों की ओर देख खलबली बच गई, जिसके बाद दमकल की टीमों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ पर आया सुबह तो मैंने देखा ड्राइवर बोले कुछ नहीं बच रहा है, गाड़ियाँ खड़ी कर दो, और नवम्बर से गाड़ियाँ यहाँ चली रही थी, उसके बाद गाड़ियाँ हमने कल धो धा के यहाँ खड़ी कर दी। खड़ी करने के बाद करीब 1:15 के टाइम हम लोग घर चले गए, फिर 2:45 फोन आता है कि आपकी गाड़ियों में आग लग गई, तब हम भागते हुए चले आए। गाड़ियां जब देखा तो सब जल नहीं थी, आधी पड़ती जल चुकी थी, यहीं चलती थी सन 2011-12 से, जब से ये क्रेशर बना है जब से मैं यहीं चलाता हूँ सारी गाड़ियाँ, सारी क्रेशर कहीं जाता ही नहीं हूँ मैं। हमें वहाँ से जो किले हमारे स्टाफ ने आया था यूपी से, उसने सूचना दी थी हमारे सेवकों साहब को। आगरा के नारीपुरा के ओम मंगला मैरिज होम में भीषण आग लग गई। आग की लपेट देखकर समय पर पड़ोसी आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।